अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम 8.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो चीज़ आप सीखेंगे वो है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है उनको डिवीजन मेथड से, ठीक है, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पर आता हूँ, यही काम हमने करना है। मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। इसमें आप पहले देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन, उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसमें ए है, डिवीजन मेथड कैसे होता है मैं ये आपको आज बताता हूँ। 10y इक्वल 15, और दूसरा आपके पास है 3x प्लस 12y इक्वल टू 9, ठीक है। इसको देख लें, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए आप तरीकेकार देख सकते हैं। सोल्यूशन पहले आपके पास है, ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी है, तो मैं कहता हूं कि डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बाय द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है सेकंड इक्वेशन पे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x प्लस 10y, और ये मतलब इक्वल टू क्या था, 15। तो सेकंड क्या है, 3x प्लस 12y, ये हो जाएगा 9। मतलब इक्वेशन में ये होता है कि जो एक साइड है वो, जैसे लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड पे आप डिवाइड करेंगे, राइट है वो अगले की राइट पे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब इनको अगर आप कर सकते हैं, 3 3 9 3 5 15, इस तरह अगर कर सकते हैं कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 10y, ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 12y, ठीक है। अब ये हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स व्हाट, ये आप देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यानी ऐसे क्रॉस में जो चीजें होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 10y से, और 5 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 12y से, ठीक है। अब इसको आपने मुख्तसर कर देना है, सो 3 5 15x प्लस 3 10 30, क्या हो जाएगा, 30y, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 3 15x और प्लस 12 5 60y, ठीक है। तो ये 15x 15x दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा, या आप ये कह दें कि 15x माइनस 15x, ठीक है, ये इस तरफ आ गया, माइनस हो गया, इस तरफ पड़ा था 60y और ये 30y इस तरफ आ गया, तो माइनस हो गया, यहाँ पे हो गया 30y और यहाँ पे 15 - 15 कितना, 0, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब आप ये कर सकते हैं कि किसी भी ऊपर जो आपके पास कोई भी मौजूद है, किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दें, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, यहां से आपको दिखाई देगा 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, ठीक है। सो ये है कितना, 15, इसमें हो जाएगा 5x प्लस 10y, यानी 10 इंटू 0 15, ठीक है। सो 5x हो जाएगा कितना, 15, और x क्या हो जाएगा, 15/503, ठीक है। यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो x और y की वैल्यू फाइंड करना होता है, और वो आपके पास आ गया है। मैं जस्ट ये वेरीफाई कर लेता हूँ कि इसका जो जवाब है क्या ये मेरे पास भी वही है, ठीक है। तो ये है 8.5 में फर्स्ट, बिल्कुल x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपके पास सॉल्व हो गया बाय डिवीजन मेथड। आता हूँ इसके पार्ट बी पे। तो इसका बी आप देख सकते हैं, 4x प्लस 8y इक्वल्स 12, इसको 1 कह दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। दूसरा आपके पास है 7x प्लस 14y, दिस इज इक्वल टू 14, इसको 2 कह दें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है सॉल्यूशन में, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन, ठीक है, 2। तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 से क्या आएगा, 4x प्लस 8y, दिस डिवाइड बाय 7x प्लस 14y, दिस इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 14,
ठीक है। तो इसको आप मजीद भी लेके जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, सारा कुछ करें, लेकिन उससे शॉर्टकट भी इसका हो सकता है। वो क्या है, 4x जमा 2y हो जाएगा, क्योंकि 4 ज़रब x 4 ज़रब 2, 4 2 8y, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया। दूसरा नीचे वाला देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, 7, सो x+2y रह जाएगा। ठीक है, इधर क्या कॉमन है, 2, 2 ज़रब 6 12, 2 ज़रब 7 14। ठीक है, सो ये आपस में कैंसिल, ये देखें x+2y x+2y आपस में कैंसिल, 4/7। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 6/7 विच इज नॉट इक्वल, सही है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये बराबर आते ही नहीं है ना, तो सोल्यूशन कहां से हुआ, ठीक है ना, ये रिजल्ट नहीं आता, तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। इसके बाद में आता हूँ इसके 3 पे, तो 3 में देख लें, 9x+9y दिस इक्वल्स टू 18, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरा है 2x+8y, इसको मैं कह देता हूँ 4। ठीक है, ये मतलब है 4, सो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, 2x+8y = 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या कहता है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, ठीक है, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन अगर 2 करें तो क्या होगा, देख लें, 9x+8 9y, ठीक है, 9x+9y दिस इक्वल्स टू 18, और ये दूसरा जो है वो है 2x+8y = कितना, 4, सो डिवाइड बाय 4। यहाँ पे देखें 9 कॉमन है, सो x+y, ठीक है, और ये हो जाएगा जनाब 18 है, सो 18 हो जाएगा 2 ज़रब 9, नीचे वाला हो जाएगा 2 ज़रब 2। ठीक है, इधर भी देख लें कॉमन x+4y, ठीक है, ये आगे जा सकता है, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये देखें 9/2 आ गया, और इधर आ गया 9x+y, ठीक है, डिवाइड बाय 2x+4y। अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा, क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने लिख भी लिया, ठीक है ना, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या कहता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 9x+y, और ये हो जाएगा इक्वल टू 9 2x+4y। ठीक है, एक तो आपके पास ये भी तरीका है, दूसरा तरीका ये है, अगर आप मुझे शॉर्टकट समझना चाहते हैं, वो ये है कि ये नीचे वाला 2 है तो ये भी नीचे वाला, इक्वल टू के दोनों साइड पे नीचे वाले हैं, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला 9 है तो ये ऊपर वाले 9 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर 1 रह जाएगा, इधर ये चीज रह जाएगी, अगर आप वैसे कर सकते हैं तो। कहने का मकसद ये है कि देखें, इधर 9 है, इधर 2 है, इधर है x+y, और नीचे क्या है x+4y, इस तरफ क्या है 9/2, सो ये 2 2 से कैंसिल, 9 9 से कैंसिल, इधर रह जाएगा x+y x+4y, और इधर रह जाएगा 1। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ये जो मैं कर रहा हूँ ऐसे करें, दोनों 18, फिर x जमा y, ये हो जाएगा 9 2 18 x जमा y 4y। ठीक है, अब देखें एक तरीका यहाँ पे ये आपके पास हो सकता है कि 18 18 से कैंसिल, आप में से कोई कहता है यार मुझे इसकी समझ नहीं आती, तो उसको जवाब यह है कि इधर भी 18 तकसीम करो, इधर भी 18, गया कि नहीं गया, सो x+y, और यहाँ पे हो जाएगा x+4y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करें, तो ये देखें इसका तरीका, x x दोनों तरफ मौजूद है, कैंसिल कर दो, क्यों, क्योंकि x इस तरफ आएगा तो -x हो जाएगा, फिर कैंसिल, तो मैं ये कहता हूँ कि 4y इधर था, y इस तरफ ले आओ तो -y हो जाएगा, और इधर 0 कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y, इधर रह जाएगा 0, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो गया y की वैल्यू, अब पुटिंग, अब इसको किसी भी पुट में पुट कर दें। ठीक है, इन इक्वेशन आप कह दें कि नंबर 1, सो 1 में मैं पुट करता हूँ, 1 क्या है हमारे पास, 9x+9y = 18, तो अगर इसमें मैं पुट करूँ y की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, 9x रह जाएगा 18, क्योंकि ये दूसरा ये तो 0 हो गया सारा ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/9, सो 9 2 18, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, ये आपके पास इसका क्या हो गया, जवाब हो गया, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की बिल्कुल 0। ठीक है, ये हो गया तीसरा, सी सी के बाद है डी, डी कहता है कि 3x+12y
तो 3x ये 12y, ये बराबर जगह कितना 3, और दूसरा आपके पास है, इसको 1 कह देते हैं, दूसरा आपके पास है 6x प्लस 12y, ये है 24, इसको 2 कह देते हैं। तो इसका अगर सॉल्यूशन करें, मैं चेक कर लूं, बिल्कुल यही है। तो डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग 1/2, मतलब इक्वेशन 1/2, 3x प्लस 12y डिवाइड बाय 6x प्लस 12y, ये हो जाएगा 3/24, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, 3 × 3, 3 × 8, 24, तो ये तो 1/8 आ गया, आसान हो गया ना। यहाँ पे देखें 3 कॉमन है, x प्लस यहाँ पे 4y रह जाएगा, इधर 6 कॉमन है, सो x प्लस 6 × 2, 12, ये आ जाएगा, ठीक है, 3 × 3, 3 × 2, 6। तो यहाँ पे देखें 1/2 यानी 2, या 1/2 को छोड़ें, ऊपर तो सिर्फ बस डायरेक्ट लिखें एक्स प्लस 4y, ठीक है, नीचे 2 भी रह जाएगा, ये वाला 2, और ये एक्स प्लस 2y, ठीक है, इधर रह जाएगा 1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को यूज करते हैं, वो हो जाएगा 8 ज़रब x प्लस 4 4y, ये हो जाएगा 1 ज़रब 2 फिर एक्स प्लस 2y, ठीक है, तो 1 ज़रब 2 से तो 2 आएगा, एक्स प्लस 2y, इधर आ जाएगा 8 x प्लस 4 y, ठीक है। अब ये जरब वाला किस्सा पहले खत्म कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, इधर से 2 खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस 2y, और इधर से रह जाएगा 2 × 1, 2, 2, 2, 4, 8, सो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 x प्लस 4 y, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 x प्लस 4, 4, 16 y, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 y। अब क्या करेंगे, 4x माइनस x इस तरफ आ जाएगा, और ये 2y है, इसके इस तरफ 16y आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -14y, तो x की वैल्यू आ जाएगी -14/3y, ठीक है। तो इसको किसी में भी पुट कर दें, टेंशन नहीं है, किसी वाले में भी आप पुट कर दें तो आपके पास जो दूसरी की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि पुटिंग इन 1, तो 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास है 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ x को, सो 3x, x की वैल्यू है -14/3y, ठीक है, और प्लस 12y इज इक्वल टू 3, 3 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया -14y प्लस 12y इज इक्वल टू 3, सो इसका मतलब है कि क्या, -2y, और ये हो जाएगा 3, सो y की वैल्यू क्या है, 3/2, लेकिन माइनस, ये देखे ना, -14 -12 प्लस 12, सो -2, ठीक है ना, ये आ गया y की वैल्यू। इसको पुट कर ले किसी में भी, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ x लिख देते हैं, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या थी, ये वाली, ठीक है, इसमें आप पुट कर दें, सो एक्स ये था -14/3, क्या चीज है, वाई, ये हो जाएगा -14/3, वाई की वैल्यू है -3/2, तो ये देखें 14 × 3 = 42, या ऐसे 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 7 × 3 = 21, माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 3, 21/3, 3 × 3, 3 × 7 = 21, सो 7, ठीक है, या इधर 3 3 कैंसिल कर दें तो 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इसका है, एक की वैल्यू आ गई है 7, दूसरी की आ गई -3/2, बिल्कुल यही जवाब है, ठीक है। अच्छा, डी डी के बाद है ई, सो ई कहता है कि 11x प्लस 33y ये बराबर है 44, ठीक है, इसको 1 कह देता हूँ। दूसरा है 5x प्लस 15y इक्वल टू 30, इसको मैं 2 कह देता हूँ। सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में इसको जस्ट डिवाइडिंग करना है, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो इक्वेशन 1/2 कर लें, 11x प्लस 33y इज इक्वल टू 44, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 5x प्लस 15y डिवाइड बाय 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लें 11,
सो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा फोर 44 बस, ठीक है, 44 बाई 30, ये 5 कॉमन लिया, सो एक्स प्लस थ्री वाई, ठीक है, ये आपस में कैंसिल, तो आपके पास जो जवाब आएगा यहाँ पे भी मेरे ख्याल से डजेंट एग्जिस्ट, हाँ बिल्कुल, सो 11 बटा 5 और ये हो जाएगा 44 बटा 30, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है, ये गलत है, ये कह रहे हैं कि इक्वल टू, हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है, अगर ये जवाब ही गलत आ रहा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, किताब में भी ये लिखा है, मैंने भी बता दिया, मैंने रीजन भी बता दिया क्योंकि इक्वल नहीं है, ठीक है, ई के बाद क्या है, एफ, एफ क्या कहता है, एक्स प्लस वाई दिस इक्वल्स टू टू, इसको वन कह देते हैं, दूसरा है फोर एक्स प्लस टू वाई, ये है जनाब आपके पास फोर, इसको टू कह देते हैं, तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन करना चाहूं, मैं कह दूंगा कि डिवाइडिंग वन बाय टू, तो वन बाय टू अगर करेंगे सो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय फोर एक्स प्लस टू वाई, ये हो जाएगा टू बाय फोर, ठीक है, अच्छा अगर ये है सो x प्लस वाई अपनी जगह नीचे हो जाएगा, दो कॉमन लूं तो ये दो एक्स हो जाएगा प्लस इधर सिर्फ y रह जाएगा, इधर है दो बटा चार, ठीक है, दो एक दो, दो दो चार, सो एक बटा दो रह जाएगा, इधर रह जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाय टू टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, अब देखें यहाँ पे बटे में नीचे दो है ना, यहाँ पे नीचे, ये भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो मेरे पास इसका क्या रिजल्ट आता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है, देख लें, टू मल्टीप्लाई बाय ये सारा कुछ एक्स प्लस वाई और ये वन मल्टीप्लाई बाय टू टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास था, तो ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इधर आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई, एक तो ये है कि इसको डायरेक्ट कह देंगे टू टू कैंसिल, या ये कह देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू कैंसिल, अब ठीक है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई कैंसिल क्योंकि माइनस दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है, तो इधर आ जाएगा टू एक्स और ये एक्स इधर आ जाएगा माइनस एक्स, इधर कुछ भी नहीं बचा जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल आई तो पुटिंग इन एनी वन कोई मसला नहीं, पुटिंग इन वन फॉर एग्जाम्पल, सो वन मेरे पास क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, तो एक्स मेरे पास क्या है जीरो, जीरो प्लस वाई इक्वल टू टू, सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू और इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, तो जवाब के हिसाब से भी मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ, दैट इज बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू को आप देख सकते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, ठीक है, ये मैंने लिख लिए हैं, अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा, उसके लिए ये है कि यहाँ पे कोई फैक्टर बनते हो पहले इक्वेशन में तो वो आपने बनाने हैं, दूसरे में बनते हो तो वो आपने बनाने हैं, उसके बाद पहले में से दूसरे या दूसरे में से पहले को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि फैक्टर नहीं बनते मैं क्या करता हूँ सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, तो अच्छा टू में पहले लिखता हूं x माइनस वाई इक्वल्स एट, दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू कितना फोर, माइनस है सो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल, y y 2y हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस टू वाई, एट माइनस फोर फोर, ठीक है, इसका मतलब है कि y हो जाएगा फोर बाई माइनस टू, सो इसका मतलब है कि माइनस टू आपके पास क्या है y की वैल्यू है, ये एक चीज आपके पास आ गई है, ठीक है, अब इसको किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, पुटिंग इन वन, फॉर एग्जांपल मैं वन में पुट कर देता हूं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू कितनी है कोई नहीं है, सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू है माइनस टू, सो फोर, यानी इसका मतलब है कि एक्स माइनस टू फोर होना चाहिए, सो एक्स क्या होगा फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, तो ये वाई की वैल्यू आपके पास आ गई है माइनस टू और एक्स की वैल्यू क्या आ गई है सिक्स, ठीक है, तो दीज आर द टू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो x 6 है और y माइनस टू है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपके पास किताब होगी उससे आप जवाब देख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है मतलूबा इसका जवाब है।
आते हैं इसके बी पे, बी मैंने लिखा हुआ है, आप इसके इक्वेशंस देख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, 3, 5, 2 सब मुख्तलिफ है, तो इसलिए फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें भी कुछ भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। 4, 3 और 5 इसमें भी फैक्टर नहीं बनता, तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे इसमें भी कॉमन, चूंकि कॉमन कुछ नहीं है तो फैक्टर भी नहीं बन रहा, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, ठीक है। सो 2 2 पहले लिखते हैं, 4x-3y, ये 5 इक्वल हो जाएगा, दूसरा है 3x-+5y और ये हो जाएगा कितना 2। तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग है, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस, ये प्लस है ऑलरेडी, ये भी माइनस और ये प्लस है, ये भी माइनस, ठीक है। तो 4x-3x x हो जाएगा, ये है 3, ये -3 -5 -8y और ये 5 -3 5 -2 3, ठीक है। तो x को अगर लिखेंगे वो हो जाएगा 3 + 8y, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं पे भी आपको x नजर आए उसकी जगह ये पुट करेंगे, ठीक है ना। तो पुटिंग इन 1, 1 क्या है आपके पास, 1 है आपके पास 3x + 5y = 2, ठीक है। सो 3x की वैल्यू क्या आ गई है 3 + 8y और +5y = 2। तो यहां तक हम आ गए, इसके बाद क्या होगा, 3 3 9 + 3 8 24y + 5y = 2। सो ये हो जाएगा 9 + 24 + 5 29y, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 29y, ये हो जाएगा 2 - 9 - 7। सो y हो जाएगा कितना, -7/29, ठीक है। अब एक की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, तो दूसरी की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें पुटिंग इन 2 कर रहे हैं, कोई नहीं, पहला हमने एक में किया था, अब दूसरे में कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू नहीं, या ऐसे छोड़ दें इसको, इसको 2 में करने की भी जरूरत नहीं है, उससे भी एक आसान सोल्यूशन है मेरे पास, वो क्या है, इसको आप कह दें नंबर 3, ठीक है। ये जो हमने x की मतलब सब्ट्रैक्शन की थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी उसी में ही आप पुट कर लें। सो x हमारे पास है, आप ये कहें कि पुटिंग इन 3, ठीक है। सो 3 क्या है, x = 3 + 8y, सो 3 3 + 8y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -7/29, ठीक है। ये देखें, अब 3 + 8 = 56/29 और ये माइनस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -56 है, सो 3 - 56/29, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29 × 3 और -56, 29 × 3 3 9 27, 3 2 6 2 8, -87 - 56/29, सो 87 - 56 ये हो जाएगा 31/29, ठीक है, 31/29, बिल्कुल यही जवाब है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, y की वैल्यू। अच्छा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 31/29, ठीक है। तो b भी हो गया, अब आते हैं इसके c पे, c क्या कह रहा है, x + 4y = 1, इसको 1 कह देता हूँ, और दूसरा है 3x - 7y = 5, इसको 2 कह देता हूँ। अब फिर भी कोई फैक्टर नहीं बनता, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 1 from 2, सो व्हाट इज 2, 3x - 7y = 5 और माइनस है, तो दूसरा क्या है हमारे पास, x + 4y = 1, तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3x - x 2x, -7 - 4 - 11y और 5 - 1 4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 2x रह जाएगा 4 + 11y और x सिर्फ रहेगा, तो वो हो जाएगा 4 + 11y / 2, ठीक है, ये हो गई x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 अभी से कह देते हैं, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। सो पुटिंग इन,
पहला दूसरा जो मर्जी हो, मैं पहले में पुट कर देता हूँ। सो पहला क्या है, x प्लस फोर वाई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू वन। x हमारे पास है 4 प्लस 11 वाई डिवाइड बाई 2, सो प्लस 4 वाई और इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी जगह ये वैल्यू आ गई सारी की सारी, और ये 4 वाई अपनी जगह, इक्वल टू 1 अपनी जगह। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि 4 प्लस 11 वाई डिवाइड बाई 2 प्लस 4 वाई इक्वल टू 1, ये बाय 1 कर दें, ठीक है। या पर अगर ऐसे आप नहीं कर सकते तो इसका आसान तरीका यह है कि मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2। सो 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 11 वाई डिवाइड बाय 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि दूसरी साइड इक्वल टू 1 है, सो ये 2 आ जाएगा, 2 4 8 वाई हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 4 जमा 11 वाई, ठीक है, प्लस, अच्छा ये 4 जमा 11 जमा 8 क्या हो जाएगा, 19 वाई, और ये हो जाएगा 2। सो 19 वाई को अपनी जगह छोड़ देते हैं, 2 मनफी 4 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 19 वाई इज इक्वल टू माइनस 2, सो वाई हो जाएगा माइनस 2 बाय 19, ठीक है। ये आ गए हमारे पास किसकी वैल्यू, वाई की। अब इसको पुट कर दें नंबर 3 में, याद है आपको मैंने कहा था पुटिंग इन 3, सो 3 मैंने आपको पहले से कहा था कि इसको नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 प्लस 11 वाई बाय 2, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 11 वाई डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 11 वाई, 11 y की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 बाय 19 डिवाइड बाय क्या, 2। तो ये हो जाएगा 4 जमा, जमा छोड़ दें, माइनस कर देते हैं, क्योंकि 11 जरब 2 22 बटा 19, ठीक है, और माइनस है, डिवाइड बाय 2। अब ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 4 जरब 19 माइनस 22। किसी को अगर ये समझ नहीं आती कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो पहले वो एलसीएम वाली कोई वीडियो देख ले, उसको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 9 36, 4 1 4 3 7 माइनस ये हो जाएगा 22 और बटा 19 है, बटा 2 है, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे 19 जरब 2, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 76 माइनस 22, व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा 76 माइनस 22, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 19 दो 38, ठीक है। तो ये मेरे पास 54 बाई 38 भी हो सकता है, या 17 क्या नाम है इसका, 19 दो 38, ठीक है ना, 19 दो 38। और यानी आप ये कह दें कि इस तरह भी कर सकते हैं, इसको और आसान कर देते हैं, 54 नीचे वाला मैं 38 नहीं लिखता, 19 जरब 2 लिखता हूँ, ठीक है। तो ऊपर जो 54 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 27 जरब 2 डिवाइड बाय 19 जरब 2, तो 2 2 कैंसिल, ये आ गया 27 बटा 19। या अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 19 और ये हो गया 27, ठीक है। सो 27 बटा 19 आपके पास क्या है, जवाब है x का, x आपके पास आ गया 27 बटा 19, और y की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास क्या है, सो ये हो जाएगा माइनस 2 बाय 19, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है, इसके बाद मैं आता हूं इसके नेक्स्ट वाले पे, ये था सी, तो इस सी के बाद है हमारे पास डी, ये कौन सा था, सी, हाँ अब है डी। तो डी कहता है कि 6x प्लस 7y ये बराबर होना चाहिए 10 के। दूसरा कहता है कि 2x माइनस 5y इक्वल टू कितना, 7, इसको 2 कह देते हैं, ठीक है। अब आपने इनका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिर कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं बनती, तो मैं क्या कर देता हूँ, सॉल्यूशन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग क्या चीज, 2 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 1 फ्रॉम 2 कर लेंगे, 2 क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, और 1 क्या है, 6x माइनस प्लस 7y इज इक्वल टू 10, माइनस करना, करना माइनस है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस, सो माइनस 4x और ये माइनस 12y, यानी 5 7 12, ठीक है, दोनों माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि 10 वाला ज्यादा है, ठीक है। अब देखें,
आपको मैंने कहा था ना फैक्टराइजेशन कैसे होती है, अब नहीं यहाँ पे भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? यहाँ पे वैसे इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ नहीं होगी तो इसको मैं कर देता हूँ। माइनस फोर अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से एक्स रह जाएगा, ठीक है, और माइनस कॉमन लिया है तो इधर प्लस रह जाएगा, चार तरफ तीन, सो 3y रह जाएगा, और ये -3, ये फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। मतलब है कि -4x -12y के दो फैक्टर आ गए, -4 इंटू एक्स प्लस 3y, ठीक है। अब क्या करते हैं, -4 पे दोनों साइडों को डिवाइड कर देते हैं, -4 ये कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू -3। माइनस माइनस है दोनों तो खैर है, बस वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब हमें एक्स चाहिए, सो 3/4 -3y, वाई उस तरफ गया, 3y उस तरफ गया तो -3y। इसको अभी से कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो पुटिंग इसको बेशक इन टू कर देते हैं, टू थोड़ा इजी लग रहा है, वो क्या है, इजी से ऐसे लग रहा है कि उसमें जरा वैल्यूज कम है, ठीक है, और बड़ी बात कोई नहीं है। 2x -5y इज इक्वल टू 7, तो इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू 3/4 -3y -5y है तो इक्वल टू 7। ये देखें इसका मतलब है कि 2 3/4 से अलहदा तरफ आएगा, फिर 2 3y से अलहदा तरफ आएगा, और -5y पहले से मौजूद है तो 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 1 2 2 2 4, सो हो जाएगा 3/2 -2 3 6y -5y इक्वल टू 7। ये 3/2 -11y इज इक्वल टू 7। उसके बाद क्या होगा, 11y को इस तरफ ले आओ तो 3/2 -7, ठीक है, बाय 1 कर दो, क्योंकि इस तरफ अगर बटा में ये माइनस या प्लस है तो एलसीएम होगा। अच्छा 2 इंटू 1 2, अब ऊपर 2 इंटू 1 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 2 2, सो 2 को ऊपर 7 से तरफ देंगे 14, ठीक है, 11y। मैं फिर कहता हूँ कि एलसीएम नहीं आता तो पहले एलसीएम सीख लें थोड़ा सा, फिर इसको कर सकते हैं। 3 -14 -11/2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 11, ये कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय 2, यानी ऊपर -1 रहेगा, नीचे ये 2 रहेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई -1 डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट जस्ट एक और वैल्यू होती है जिसको आप सॉल्व करते हैं, वो है x की। सो पुटिंग इन 3, याद है मैंने आपको पहले कहा था कि 3 हम इसको नाम दे देते हैं। सो 3 है क्या हमारे पास, ये है 3/4 -3y, ठीक है, और ये है हमारे पास x के बराबर। सो x 3/4 -3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है -1/2, सो 3/4 -3/2, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब है कि 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 1 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 2 को ऊपर 2 3 से ज़रब देंगे तो क्या, 6, 3 प्लस 6 9, 9 डिवाइड बाय 4, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई 9/4। सो y की वैल्यू भी आपके सामने है और x की वैल्यू भी आपके सामने है, ये आपका क्या है जवाब, y की वैल्यू ये है, ठीक है। जवाब में बेशक देख लें आपको कोई मसला नजर नहीं आएगा, यह है x की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.5 एंड हो गया, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह मैं इसके बाद 8.6 पे आऊंगा, ठीक है, थैंक यू।